Hello students, we will discuss about dispersal by animals. Mice bury the extra seeds in a secret place to use it in times when food is hard to find. Sometimes they forget about these seeds, thus these seeds germinate and grow into new plant. इसमें क्या बताया गया है कि माइस बरी जो चूहे होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे घरों में एक्स्ट्रा सीड पड़े होते हैं वो उनको उठाकर कहीं सीक्रेट प्लेस में ले जाते हैं और उन सीड्स को वो तब यूज करते हैं जब उनको सीड्स कहीं पे अनाज नहीं मिलता तो वह उन सीड्स को यूज़ कर लेते हैं। बट समटाइम क्या होता है कि वो सीड्स को वहीं पे रख कर भूल जाते हैं और देन क्या होता है कि वो सीड्स जो हैं जर्मिनेट हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं और जैसे बारिश वगैरह हो जाती है और वो सीड्स ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं एंड एक न्यू प्लांट की तरह वो फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। इन सम प्लांट्स द सीड्स ओपन एंड बर्स्ट ऑन ड्राइंग, दे स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। This is known as explosion. Example pea, poppy beans. इसमें क्या बताया गया है कि सम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स जो है ड्राई होकर सूख कर खुद बाय खुद ओपन हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और वो ऑल डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे एक्सप्लोजन। एग्जाम्पल है पी, पॉपी एंड बीन्स। Hello, I am a pea plant. When my seeds are dry, my pod bursts open and the peas are scattered away from me. इसमें क्या है कि ये pea plant है और इस ये pea plant के जब जो seeds है dry हो जाते हैं, ये खुद by खुद burst कर जाता है, open हो जाता है and जो इनके seeds है वो scattered हो जाते हैं। जब ये सूख जाता है तो खुद बाय खुद ओपन हो जाता है एंड सीड्स जो हैं वो बिखर जाते हैं इधर उधर। पॉइंट्स टू पॉन्डर। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस सीड्स विच कैन फ्लाई। दीज सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। दिस इज़ नॉन एज सीड एविएशन। इसमें क्या बताया गया है कि सम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स फ्लाई करते हैं और ये सीड्स अलग अलग शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, इनको हम सीड एविएशन बोल देंगे। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन आर टेबुलर ब्लॉक। जितने भी प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग प्लांट के पार्ट्स से। जैसे फर्स्ट है स्टेम कटिंग। स्टेम मीन्स जो उसकी टहनी होती है किसी भी प्लांट की, जैसे जी रोज़ प्लांट की है स्टेम। हम क्या करेंगे जब हमने रोज़ प्लांट, हिबिस्कस, मनी प्लांट ऐसे कुछ भी लगाना हो तो हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स की स्टेम को कट कर लेंगे और इनको देन सॉइल में लगा देंगे और इनकी जो ये इनकी स्टेम से ही जो रोज़ है वो ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट रूट डेलिया कैरेट। ये क्या है कि जैसे हम सभी देखते हैं जो कैरेट होती है तो वो हम उसकी क्या यूज़ करते हैं, रूट यूज़ करते हैं। सॉइल के बीच उसकी रूट होती है, हम ऐसे खींच कर उसको निकालते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि जो कैरेट है वो रूट, वो उसका जो हमें फ्रूट मिलता है वो किस क्या होता है, रूट का होता है। नेक्स्ट लीव्स ब्रायोफाइलम बिगोनिया। ये टू प्लांट्स हैं जिनको हम कैसे ग्रो करते हैं, उनके हम लीव्स लगा देते हैं और वो लीव्स से ही प्लांट बन जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम ओनियन जिंजर। ये टू प्लांट्स हैं जिनकी हम अंडरग्राउंड स्टेम यूज़ करते हैं जिनको ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट स्पोर्स। इसकी एग्जांपल है मशरूम मोल्ड्स। इसमें क्या होता है, ये मशरूम और मोल्ड्स किससे बनती है, बीजाणुओं से, स्पोर्स से। और मोल्ड्स क्या होते हैं, जो ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर का आ जाता है उसको हम बोल देंगे मोल्ड्स। जैसे घरों में ब्रेड पड़े होते हैं और उसके ऊपर
काफ़ी दिन पड़े रहें तो वो उसके ऊपर ग्रीन कलर सा आ जाता है, उसको हम बोल देंगे मोल्ड्स। आप देख रहे हो सभी, ये क्या है, पोटैटो। जब हमने पोटैटो को ग्रो करना है, उगाना है, तो हम क्या करेंगे, वो पोटैटो को सोइल में लगा देंगे जिसकी ऐसे बर्ड्स निकली हो। पोटैटो इज़ अ स्पेशल स्टेम विच हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑन इट्स सरफेस, दिस हेल्प इट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। पोटैटो की क्या होती है, एक स्पेशल स्टेम होती है जिनको हम क्या बोल देंगे कि उसके ऊपर उसकी आइज होती हैं, और ये पोटैटो को ग्रो करने में, न्यू प्लांट फॉर्म करने में हेल्प करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।